प्रधानमंत्री मोदी चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। हो सकता है ये सारी लिस्ट फेल हो जाए और कोई अलग ही तीन नाम सामने आ जाए, ऐसा नाम जो उनके चार दांव में फिट बैठते हो, जो सिर्फ 24 तक के नहीं बल्कि 2034 तक की प्लानिंग में फिट बैठते हो। ये चार दांव भी बताएंगे, उससे पहले ये राउंड अप देखिए। मुझे कोई अतिरिक्त सम्मान नहीं चाहिए, मैं मोदी हूँ, जनता मुझे मोदी की तरह अपना मानती, तो जी माननीय लगाने की आवश्यकता नहीं है। तीन राज्यों में हमारे लोगों ने चुन चुका है और सरकार बनाया जा रहा है। 5 दिन हो रहे हैं और भाजपा अगर इतने बहुमत के बावजूद भी मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही तो ये दुविधा क्या है? मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। बहुत अच्छा निर्णय पार्टी के प्रदेश हित में होगा, इंतजार है पर्यवेक्षकों का। कोई हम लोग इस रेस की मैदान में है, केंद्रीय नेतृत्व तो जो तय करेगा उसको क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ में करने की जवाबदारी हम सबकी है। यहाँ हम सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाने जा रहे हैं, मुझे जो भी अवसर दिया जाएगा मैं काम करूंगी। हम दो, हमारे दो वाले किसी को बर्दाश्त करने को नहीं तैयार है जो अटल अडवाणी से जुड़ा रहा हो। वक्त में कोई और जिम्मेदारी दी जाती है तो आप स्वीकार करेंगे? हम सेवा के लिए जीवन समर्पित किया है, पार्टी की सेवा कर रहे हैं। दो ही लोग निर्णय लेते हैं कौन कहां का मुख्यमंत्री बनेगा, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। तो ठीक है, तमाम मुद्दों पर बात होगी। वो मोदी क्या जो चौंकाए नहीं, ये भी सही कहा जाता है बीजेपी के। मोदी अपने फैसलों से पूरे देश को नहीं अपनी पार्टी को सबसे ज्यादा चौंकाते हैं, इसलिए कब अश्विनी वैष्णव का नाम ऊपर आ जाए और एकाएक रेणुका सिंह छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री बन जाए, इस पर आश्चर्य मत करिएगा। सभी विधायकों को ये कहना कि आप विधायक बने रहे, सांसद नहीं रहे, जिसमें से नरेंद्र सिंह तोमर जैसे केंद्रीय मंत्री, कद्दावर केंद्रीय मंत्री जिन्होंने किसान आंदोलन के उस बुरे वक्त में काम किया, ऐसे नेता को भी कहा जा रहा है कि विधायक की तरह रहिए और जो पार्टी आपको जो जिम्मेदारी दे उसे आगे करिए। तो राजस्थान पर हो सकती है चर्चा, किस किस की बैठक है? बैठक है अमित शाह से, हाल ही में बाबा बालकनाथ मिले हैं, नाथ संप्रदाय से आते हैं, महंत हैं, अलवर सीट से सांसद हैं, तिजारा सीट से जीते हैं और इनकी सीट को बहुत महान जीत माना जा रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी के आसपास यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान वोट ये उसी मेवात इलाके से आती है जिसको लेकर कई तरह की चर्चाएं नूर उसके आसपास के इलाकों की हाल में हो रखी है। देखिए तस्वीरों में आप अर्जुन राम मेघवाल को भी देख रहे हैं, इनका नाम भी चर्चा में है, अश्विनी वैष्णव को देख रहे हैं, बाबा बालकनाथ को देख रहे हैं, योगी की छवि है इनमें, बुलडोजर चलाएंगे कहा था, और वही वसुंधरा राजे सिंधिया रविंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं, रविंद्र के पास चलते हैं, वसुंधरा पर अपडेट लेते हैं। अभी वो जेपी नड्डा जी से मिलने वाली है, लेकिन रविंद्र ये खबर अभी अभी आई है कि एक मीना विधायक हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है, उनके पिता ने आरोप लगाया और सार्वजनिक तौर पर कैमरा लगाया है कि वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह ने उनकी बाड़ेबंदी की। इस आरोप को लेकर दिल्ली में क्या प्रतिक्रिया है और क्या वसुंधरा खुद मिलने आई है या उन्हें बुलाया गया है इन खबरों के बाद? देखिए दीपक जी, आज जब संसदीय दल की बैठक थी तो उसमें दुष्यंत सिंह से जब वो बैठक में जा रहे थे तो हमने उनसे बात की, उन्होंने बोला कि ऐसा क्या आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, ऐसा कभी किया है मेरे संसदीय जीवन में या फिर पॉलिटिकल जब भी हम राजनीतिक जीवन में, तो ये सब सरासर आरोप है और ये गलत आरोप है। दुष्यंत सिंह ने कहा था जब संसदीय दल की बैठक में सुबह जा रहे, तो पहली बात, दूसरी बात दुष्यंत सिंह उनके बेटे, और दूसरी बात है कि उन्होंने ये भी कहा कि जो मैडम के जो विरोधी हैं वो इस तरह के प्रचार कर रहे हैं,
दुष्प्रचार कर रहे हैं कि वो बगावती मूड में आ गई है, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ जो वहां के नेता हैं, चाहे वो सांसद हो या फिर विधायक हो, तो कहीं ना कहीं उनका उनकी तरफ से सफाई ये दी गई है कि ये सरासर गलत है, ना मैं इसमें शामिल हूँ, ना मेरी माँ इसमें शामिल है, किसी का कोई लेना देना इससे नहीं है। दूसरी बात कि जहां तक वसुंधरा राजे की बात है, तो दीपक जी आप जानते हैं कि फैसला कल, जहां तक जानकारी मिल रही है कि कल गृह मंत्री अमित शाह की काफी लंबी बात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और उसमें ये जानकारी आ रही है कि तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री को लेकर कमोबेश एक फैसला ले लिया गया है। अब उस फैसले को कैसे जमीन पर उतारना है, उसको लेकर ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा या फिर गृह मंत्री अमित शाह तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जहां तक वसुंधरा राजे की बात है, तो अभी स्पष्ट नहीं है कि वसुंधरा राजे नेतृत्व करेंगी या फिर नेतृत्व न करे, इसके लिए वसुंधरा राजे को राजी करने की कोशिश की जाएगी जेपी नड्डा द्वारा, ये अभी तय होना बाकी है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होंगे तीनों राज्यों में, ये लगभग कल की बैठक में तय कर लिया गया है। आप कह रहे तय कर लिया गया है, इसका मतलब नाम जेहन में है, कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाए वही एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तो क्या फोकस रहेगा, क्योंकि मोदी जी हमें हमेशा अपने फैसलों से चौंकाते हैं, एक शायद युवा नेतृत्व होना चाहिए, एक शायद जो पार्टी को 10 साल आगे ले जाने की सोच सके, एक ऐसा जो गुटबाजी में ना हो, एक ऐसा जिसका सामाजिक समीकरण मेल करता हो, ये चारों चीजें होंगी रविंद्र। बिल्कुल दीपक जी, आप देखिए कि कहीं ना कहीं जो फैसला तीनों राज्यों में होगा, उसमें दो तीन उदाहरण भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के जहन में जरूर होगा, चाहे वो झारखंड का रघुवर दास का मसला हो या फिर योगी आदित्यनाथ का। जो योगी आदित्यनाथ अगले जब उनको बनाया गया था कोई अनुभव नहीं था, लेकिन अब दूसरी बार वो सत्ता में है बीजेपी के साथ। उसी तरह से रघुवर दास को जब बनाया गया था तो उस समय वो पार्टी हार गई थी। उसी तरह से आप कर्नाटक में देखिए कि येदियुरप्पा को 1 साल पहले हटाया गया, उसके बाद पार्टी की वहां पर अच्छी हालत नहीं रही, पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। तो कई तरह के उदाहरण है, इसलिए जो भी फैसला लिया जा रहा है, चाहे लिया गया है कल, उसमें इन तीनों चारों फैक्टरों को ध्यान में रखा जाएगा, जो आपने भी कही है कि युवा भी हो, समीकरण भी बेहतर हो और आगे चलकर पार्टी का नेतृत्व भी करे, जो कि वसुंधरा राजे सिंधिया हो या फिर शिवराज सिंह या रमन सिंह के बाद का वो जो नेतृत्व है, वो अगले 5 साल 10 साल तक पार्टी को मजबूती से खड़ा कर पाए। तो ये सारी चीज जहन में जरूर होगा प्रधानमंत्री का, जो कल फैसला लिए होंगे, गृह मंत्री को बताए होंगे, जिसका जेपी नड्डा अब इंप्लीमेंट कर रहे हैं जमीन पर। ठीक है रविंद्र, मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, जिन पॉइंट पर आपने एम्फसाइज किया है, क्या सबसे महत्वपूर्ण होगा मुख्यमंत्री चुना जाने के लिए, बेदाग छवि, एक अच्छा कुशल नेतृत्व, महिलाओं को साधने की क्षमता, महिला वोट बैंक के लिए सोच रखता हो, सामाजिक समीकरण साधे जा सकते हो, संगठन की क्षमता हो, युवा हो और जो किसान को साथ चक सके। वैसे ही मोदी कह चुके हैं, गरीब मेरी पहली जो है जाति गरीब है, दूसरी जाति मेरी युवा है, तीसरी जाति मेरी किसान है और चौथी जाति मेरी महिला है। तो एक लंबी लकीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नैरेटिव से खींच चुके हैं।